एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये पिका कार्ड रीडिंग है, जिसमें हम देखेंगे अक्टूबर का महीना आपके लिए ओवरऑल कैसा रहेगा। मैं इसमें लव, करियर सब कुछ चेक करने की कोशिश करूँगी, जो लोग नो कॉन्टैक्ट में उन लोगों के लिए भी चेक करूँगी, और जितना चीज़ें कवर करना मतलब पॉसिबल है उतना कवर करने का ट्राई करूँगी। ठीक है, ये एक पिका कार्ड रीडिंग होगी जो आपके नाम के पहले अक्षर के अनुसार होगी। आपका नाम जिससे आप सबसे ज़्यादा बुलाए जाते हो या जिस नाम में आपका विश्वास ज़्यादा है, यानी कि आपको कभी कभी ऐसा लगता है ना कि आपको अपना बर्थ नेम ज़्यादा लकी लगता है, तो आप अपने बर्थ नेम के हिसाब से भी देख सकते हो। नाम के अनुसार चुनने में दिक्कत है तो आप अपने रंग के अनुसार चुन सकते हैं, पिंक या ब्लू के हिसाब से भी चुन सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। पिका कार्ड रीडिंग के टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप क्लिक करके डायरेक्ट अपनी पाइल की तरफ भी जा सकते हैं, तो उससे आपको जो बीच की जो तू तू मतलब बोलते हैं ना किचकिच जो भी है जो आपको सुननी नहीं है वो आप उसे अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, और ये मतलब बेसिकली इंट्रो स्किप कर सकते हैं, और जनरल रीडिंग नहीं है, जरूरी नहीं कि सबके लिए रिजोनेट करे, पर मोस्ट ऑफ द टाइम कर जरूर जाती है। साथ ही साथ ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, लड़का लड़की कोई भी हो सकते हो आप, तो आप अपनी रीडिंग को अपने जेंडर के अनुसार कंसिडर करें, एनर्जीज पे फोकस करें। ठीक है, थी था पे ध्यान नहीं दें। ओके, सो चले लेके प्रभु का नाम हम शुरू करेंगे अपना काम। पाइल नंबर 1 ABCDEFGHIJKLM। अक्टूबर का महीना आप लोगों के लिए कैसा बीतेगा, यूनिवर्स मुझे बताएं। ABCDEFGHIJKLM, जिनका भी नाम इन अक्षरों से शुरू होता है या जिन्होंने भी पिंक स्लिप चुनी है, मुझे बताएं उनकी ओवरऑल अक्टूबर मंथ में उनकी ओवरऑल लाइफ में होने वाला क्या है, उनके काम, उनके बिजनेस, उनके लव लाइफ, ओवरऑल उनका कैसा रहने वाला है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट, द हीरोपेंट, एस ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यूनिवर्स थ्री ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को क्लारिफाई करें। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, हर्मिट की एनर्जी को क्लारिफाई करें। ओके, कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जीवन में, ओके पहले मैं सबसे पहले राशि बता देती हूँ आपकी, जो ये सन मून राइजिंग साइन कोई भी साइन हो सकती है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन लिब्रा एक्विरियस जेमिनी एरिस लियो सजिटेरियस, ये साइंस मुझे हाईलाइटेड मिली है। नंबर 3, नंबर 1, नंबर 6 ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ऑरेंज कलर का महत्व बहुत ज़्यादा होगा आपकी लाइफ में, तो हो सकता है ऑरेंज कलर आप जो है या तो आसपास लेकर बैठे हैं या इसका कहीं ना कहीं आप जो है इसकी एनर्जी से आपका कोई लेना देना हो सकता है। ठीक है, सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर मैं अक्टूबर की हिसाब से देखूं तो आप अपने काम पे ज़्यादा ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अपने फाइनेंशियल गोल्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे। डे एंड नाइट आप मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए और नई नई चीज़ पे काम करते हुए, यानी कि या तो काम का तरीका बदलेंगे या तो आप अपनी लाइफ में, अपनी लव लाइफ में जो चीज़ें फेस कर रहे हैं उसको फेस करने का तरीका बदलेंगे। यानी कि अगर अभी तक आप अपनी लव लाइफ में रोते धोते थे तो अब अपनी लाइफ में आप बहुत प्रैक्टिकल हो जाएंगे। अगर अपनी लाइफ में आप बहुत प्रैक्टिकल थे तो थोड़े से इमोशनल हो जाएंगे। किसी तरीके का मेजर शिफ्ट मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे पॉसिबिलिटी एक और बन रही है कि हो सकता है कि आप इस महीने की शुरुआत में आप थोड़े से स्ट्रेस्ड हैं, और ऐसा दिखाई दे रहा है कि पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है कि आपके स्ट्रेस का निवारण करने के लिए आप खुद को बहुत बिजी रखेंगे, खुद को बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड रखेंगे, खुद को बहुत ज़्यादा बिजी रखेंगे, और स्ट्रेस का कारण कोई तीसरा व्यक्ति हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी हो सकता है, यानी कि आपकी लव लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आ गई है, उससे आप या तो परेशान हैं या आपके मार्केट में, आपके बिजनेस में बहुत ज़्यादा कंपटिटिव एनर्जी से आप परेशान होंगे, या ऐसी पॉसिबिलिटी है, ये स्टार्टिंग मंथ की बात कर रही हूँ, स्टार्टिंग महीने में पॉसिबिलिटी है कि आपकी लाइफ में कोई नया व्यक्ति आया है, आप उसको लेकर स्ट्रेस्ड हो कि क्या मालूम वो व्यक्ति सही है, क्या मालूम वो व्यक्ति गलत है। इस तरीके के सोच विचार आपके अंदर डिस्टर्बेंस पैदा करेंगे, किसी भी तीसरे व्यक्ति के कारण आप खुद को थोड़ा सा डिस्टर्बेंस में महसूस करेंगे। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि खुद को बिजी रखने के लिए आप बहुत ज़्यादा अपने गोल्स, करियर और बिजनेस और इन सब चीज़ों पे ज़्यादा मतलब फोकस्ड रहने की कोशिश करेंगे, बहुत हार्ड वर्क करेंगे, डे एंड नाइट अपना काम ज़्यादा बढ़ा देंगे या अपने काम को लाइक काम के अलावा घर की जिम्मेदारियाँ बढ़ा देंगे। इस तरीके की एनर्जीज मुझे बहुत बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में अगर मिड ऑफ अक्टूबर में मैं देखूं तो आप अपने अंधकार से बाहर निकलने की कहीं ना कहीं कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढते नज़र आ रहे हो। आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा डार्कनेस नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा अंधेरा है जिसको आप बहुत समय से फील कर रहे हो, यानी कि ये किसी तरीके का खालीपन है या अकेलापन है जिसे आप फील कर रहे हो।
आप इस अकेलेपन से बाहर निकलने के लिए अपने जीवन में किसी व्यक्ति के तलाश में नज़र आ रहे हो, या कहीं ना कहीं ऐसा नज़र आ रहा है कि आप अपने जीवन में कैसे भी करके दोबारा अपने आप को हैप्पी फील करना चाहते हैं, दोबारा अपने आप को पहले जैसा महसूस करना चाहते हैं, या अपने काम में या अपने बिजनेस में पहले वाली ग्रोथ या पहले जैसी स्पीड देखना चाहते हैं, किसी तरीके की अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार करते हुए नज़र आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की थोड़ी सी कमी आपके अंदर आती हुई नज़र आ रही है। कुछ काम को लेकर या तो कॉन्फिडेंस लो होगा, या लव लाइफ को लेकर आपके अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इमोशंस जागरूक होंगे, जिसमें आपको लगेगा कि शायद चीज़ें मेरे हिसाब से वर्क नहीं करेंगी, शायद ये पॉसिबल नहीं है, शायद ये मेरी लव लाइफ में मेरे लिए लिखा ही नहीं है, या शायद मेरी इससे शादी होगी नहीं, या शायद मेरा ये काम बनेगा नहीं। लाइक कहीं ना कहीं नेगेटिव थॉट आपके अंदर आएंगे और लोनलीनेस फील करते हुए अक्टूबर के मिड में दिखाई दे रहे हैं। चांसेस है कि आपके नो कांटेक्ट वालों के लिए मैं अलग से दोबारा आगे भी कुछ रेट करना चाहूंगी, क्योंकि यहां पे मुझे कुछ पॉसिबिलिटी बन रही है, क्योंकि मुझे चांसेस दिख रहे हैं कि अगर आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं जिसमें पार्टनर जो है ऑलरेडी आपके साथ हैं, तो उस रिलेशनशिप से आप थोड़े से परेशान हो सकते हैं। ऐसी पॉसिबिलिटी बन रही है कि आपको लगेगा कि इस रिलेशनशिप में एडजस्ट आप कर रहे हो, कॉम्प्रोमाइजेज आप कर रहे हो, और इस रिलेशनशिप में सारे एफर्ट्स आपके हैं और सामने वाला व्यक्ति उसमें ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, ऐसा आपको महसूस हो सकता है। आपको लग सकता है कि इट इज़ जस्ट यू जो चीज़ें बेहतर करने की कोशिश कर रहे हो, और सामने वाला जो है वो आपको कंट्रोल करके अथॉरिटेटिव नेचर दिखाकर अपने मन के हिसाब से चलते हैं, यानी कि आपके साथ बहुत अच्छे से एकदम लाइक बोलते हैं ना, बर्ताव ऐसे दिखाएंगे कि जब उनका मन करेगा वो आपके साथ अच्छे से रहेंगे, जब उनका मन नहीं रहेगा वो आपको भाव भी नहीं देंगे। इस तरीके का आप किसी एटीट्यूड से परेशान हो सकते हैं। हो सकता है कि आप अपनी लव लाइफ में ऑन एंड ऑफ सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, या आपके मैरिज में हो सकता है कि आप अपने मैरिज को बचाने के लिए इतने एफर्ट्स डाल रहे हैं जिसमें आपको लग रहा है कि यार इट इज़ जस्ट यू, जहाँ पे सामने वाला व्यक्ति एफर्ट डाल ही नहीं रहा है और आप ही आप किए जा रहे हैं, और सामने वाले को अपनी वर्थ की मतलब आपकी वर्थ की एहसास नहीं हो रही, ऐसा आपको महसूस हो सकता है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, अगर मैं आपके ओवरऑल महीने को देखूं तो फिलहाल मुझे अक्टूबर के सेकेंड वीक तक आप थोड़े से परेशान ज़रूर नज़र आ रहे हो, बट ऐसा नहीं है कि आप अपना काम नहीं करेंगे या फोकस नहीं रहेंगे, या आप अपनी डेली की दिनचर्या में आपकी जो लाइफ है उसमें बहुत ज़्यादा हमेशा रोते एंजाइटी या स्ट्रेस में नज़र आएंगे। नहीं, आप अपना काम बहुत अच्छे से करेंगे, इनफैक्ट वर्कलोड ज़्यादा बढ़ा देंगे, काम अपना ज़्यादा बढ़ा देंगे, एंड कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ा देंगे, आप अपनी लाइफ की सक्सेस और ग्रोथ पे काम करना शुरू करेंगे, खुद के वर्कआउट्स वगैरह भी हो सकता है शुरू करेंगे, लाइक बेसिकली बहुत ज़्यादा ओवरडू करेंगे, और इतना ज़्यादा करेंगे कि थकान ज़्यादा रहेगी, आप थकान ज़्यादा रखेंगे, ट्रैवलिंग भी हो सकता है अचानक से बहुत करेंगे, घूमना फिरना सब चीज़ें होंगी, अपने आप को थोड़ा सा टाइम कम देते नज़र आ रहे हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है कि अपने आप को खुद ज़बरदस्ती टाइम नहीं देना चाहते, क्योंकि जैसे ही आप एकांत में बैठ रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा लोनली फील हो रहा है, आप घबरा जा रहे हैं, या किसी तरीके का फेयर या डार्कनेस आपको डरा रही है, जिसके चक्कर में आप अकेले रहने से दूर भाग रहे हैं। इस तरीके की एनर्जी है, जहाँ पर जैसे ही आप अकेले रह रहे हैं तो किसी ना किसी को आप कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, या कोई ना कोई काम लेकर बैठ रहे हैं, या कोई किताब लेकर बैठ रहे हैं, ताकि आपका माइंड बिजी रहे। आप अपने ऊपर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को ब्लेम करते हुए नज़र आ रहे हैं, या आपको ऐसा लग रहा है कि आप शायद किसी रिलेशनशिप के लिए स्टेबल नहीं है, या आपका मेंटल शायद स्टेबल नहीं है, जिसके कारण सिचुएशंस चीज़ें जो है आपकी लाइफ में ठीक ही नहीं हो पा रही, आप चाहकर भी लोगों को अपनी ज़िंदगी में नहीं ला पा रहे, या रिश्ते जैसा आप रिलेशनशिप चाहते हैं वैसा आपको मिल नहीं पा रहा है, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को भी ब्लेम करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर मैं देखूँ हीरोपन की एनर्जी को, रुको मैं क्लारीफाई कर देती हूँ, यूनिवर्स हीरोपन की एनर्जी को क्लारीफाई करें, ये महीना आप विजडम और नॉलेज बहुत गेन करेंगे, नई नई चीज़ें पढ़ेंगे, किताबें, या हो सकता है कोई व्यक्ति आपको कोई सीख देगा या लेसन देगा जिसे आप स्टडी करेंगे, और काफ़ी नई नई चीज़ों की ग्रोथ आपके अंदर आती हुई दिखाई दे रही है, ऐसा लग रहा है कि इनर ग्रोथ काफ़ी होगी। दो हफ्ते तक तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मिड ऑफ अक्टूबर तक तो आप थोड़े से डिफ़िकल्टीज़ को फेस करेंगे, बिजी रहेंगे, ऑक्यूपाइड रहेंगे, एग्जॉस्टेड रहेंगे, ऐसी एनर्जी है, लेकिन एंड ऑफ अक्टूबर आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आता हुआ नज़र आ रहा है। ब्लेसिंग्स कहीं से किसी की रिसीव हो सकती है, कोई बड़े ईश्वर का लाइक आपके माता पिता का किसी का आशीर्वाद आप पर होगा, जिसके कारण आप बहुत नॉलेज गेन करेंगे, और कहीं ना कहीं आपकी सब लाइफ में जो है बेटरमेंट आती हुई दिखेगी, विक्ट्री, सक्सेस, ग्रोथ, बहुत सारी चीज़ें बेहतर होती नज़र आएंगी। इवन आपकी लव लाइफ में भी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी क्रिएट होंगी जहां पर रीयूनियन होने की पॉसिबिलिटी स्ट्रांग है, रीयूनियन हो सकता है, या काफी हद तक आपकी जिंदगी में शादी के दो अवसर प्राप्त हो सकते हैं, दो लोगों के साथ आप कनेक्ट हो सकते हैं, और आपके
अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अगर आप हो तो पॉसिबिलिटी है कि पार्टनर कोई प्रस्ताव लेकर, कोई ऐसा प्रस्ताव लेकर खड़ा हो जाए आपके सामने या खड़ी हो जाए जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा खुशी महसूस होगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मुझे कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में, आपके बिजनेस और आपकी ओवरऑल लाइफ में ग्रोथ दिखाई दे रही है। बिजनेस और बाकी चीज़ों में ओवरऑल फाइनेंशियल लेवल पे अगर देखूँ तो ग्रोथ है पूरे महीने, बट अगर मैं लव लाइफ में देखूँ तो लव लाइफ में जो मेन अवसर आपको प्राप्त होंगे और मेन क्लैरिटी जो आपको रिसीव होगी वो एंड ऑफ अक्टूबर में आपको रिसीव होगी। एंड ऑफ अक्टूबर में आप क्लैरिटी में आ जाएंगे, डिसाइड कर लेंगे कि एग्जैक्टली आपको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए और कैसे आप अपने अंधकार से बाहर निकल सकते हैं, सिचुएशन कैसी हो सकती है और आपको अपनी रिलेशनशिप को एक चांस देनी चाहिए कि नहीं चाहिए, वो भी आप क्लैरिटी से कहीं ना कहीं आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि आपके एक्स पॉसिबिलिटी दे रहे हैं कि वो आपके पास वापस आएंगे, आपको अप्रोच करेंगे, बट उनको लेकर मिड ऑफ अक्टूबर में आप बहुत कंफ्यूज रहेंगे, आपको लगेगा कि नहीं शायद मेरे को इनको मौका नहीं देना चाहिए, या आप इनको लेकर इंट्यूटिव रहेंगे कि ये आने वाले हैं पर ये अभी तक आ क्यों नहीं रहे, इस बात से परेशान रहेंगे। बट एंड ऑफ अक्टूबर फाइनली आपकी इनसे कन्वर्जेशन होगी, चीज़ें बेहतर होंगी और सिचुएशन संभलती नज़र आएगी और आपको इस बात से बहुत खुशी भी महसूस होगी। शादी का कोई प्रस्ताव अगर आप वेट कर रहे हो तो शादी का कोई अच्छा प्रस्ताव आपको एंड ऑफ अक्टूबर में आता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। बट मैं अगेन ये नहीं कह रही हूँ कि एक्स शादी का प्रस्ताव लेकर आएगा, एक्स से मैं शादी का प्रस्ताव नहीं देख रही हूँ, लेकिन यस एक्स की एंट्री वापस हो रही है और वो कोई अच्छा ऑफर ज़रूर ला रहे हैं। और साथ ही साथ आपके पास जो अगर आप शादी के लिए किसी को देख रहे हैं तो उनसे भी आपको कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगर आप ऑलरेडी एक सिंगल हैं तो पॉसिबिलिटी है कि आप अपने आसपास बहुत लोगों को आकर्षित करेंगे और बहुत सारे लोग आपसे अट्रैक्टेड फील करेंगे। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई क्रश है तो फाइनली वो क्रश आपके सामने अपनी बात या अपना एक्सप्लेनेशन एंड ऑफ द मंथ में रखते हुए, क्लियर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ऑब्स्टेकल या चैलेंज जो होगा वो ये होगा कि आप अपनी सेल्फ केयर कम करेंगे, सेल्फ लव कम करेंगे, हार्ट अवेकन नहीं रहेगा। ये आपका चैलेंज है जिस पे आपको काम करने की ज़रूरत है। आपकी हार्ट चक्रा की हीलिंग ज़रूरी है और हो सके तो आप जो है अपने ब्रेसलेट्स, जो अगर आपने हार्ट या लव के रिलेटेड ब्रेसलेट्स लिए हैं तो ज़रूर उसे वेयर करें, मेक श्योर करें वो प्योर होने चाहिए। और यस, आपको अपनी हीलिंग पे मैं डेफिनेटली बोलूँगी काम करना चाहिए। अगर आपके हिसाब से मैं देखूँ तो आपका ओवरऑल प्रॉब्लम ये रहेगा, अगर पूरा महीना मैं देख रही हूँ तो ये प्रॉब्लम रहेगा कि आप अपने आप पे थोड़ा सा सख्त हो जाएंगे, अपने आप के साथ थोड़े से जैसे नाराज़ से नज़र आ रहे हैं, तो ये चीज़ें थोड़ी सी कम करें, अपने आप से प्यार करें, थोड़ा खुद को समय दें और थोड़ा खुद को समझने का प्रयास करें। हर गलती का इल्ज़ाम खुद को देना बंद करें क्योंकि आप किसी भी चीज़ में गलत नहीं हैं। और यस, आपको एक अच्छा ऑफर मिले तो आपको उसे एक्सेप्टेंस देनी होगी क्योंकि ये अवसर आपके लिए लाइफ चेंजिंग ऑप्शन बन सकता है। जिन लोगों की जॉब का प्रॉब्लम है, जॉब का प्रॉब्लम मेन सॉल्व हो जाएगा आप लोगों के लिए एंड ऑफ अक्टूबर में, मतलब आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। हालांकि मुझे सरकारी काम नहीं आता हुआ दिखाई दे रहा फिलहाल, ये पूरा महीना सरकारी नौकरी की प्रॉब्लम है। अगर सरकारी जॉब कर रहे हैं तो वो अच्छी चलेगी, लेकिन आप ढूंढ रहे अगर सरकारी नौकरी तो उसमें ग्रोथ नहीं है। बट अगर आप जो है मतलब उसमें अगर अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं तो नहीं मिल पाएगी, लेकिन यस MNC और बड़े बड़े प्राइवेट्स या और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स में आपको काम मिल सकते हैं। नाम होगा आपके लाइफ में, आपके इर्द गिर्द आपके लोग भी आपको बहुत पसंद करेंगे, बल्कि आप बिज़ी बहुत रहेंगे और थोड़ा सा अपने आप को समय देने का प्रयास करें। आपके लिए ओवरऑल मैं देखूं तो ये पूरा महीना कैसा रहेगा, ये पूरा महीना आपके पुराने सारे चैप्टर्स को क्लोज करके एक नए जीवन की शुरुआत करता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पूरे महीने में आप जो है काफ़ी नई चीज़ें या नए क्रिएटिव आइडियाज़ के साथ नज़र आएंगे, अपने काम में कुछ नयापन लाएंगे और अपने रिलेशनशिप में भी चीज़ें बेहतर होते हुए नज़र आएंगी। एक फ्रेश स्टार्ट देखा जा रहा है। अगर रिलेशनशिप ख़राब हुए हैं तो रिलेशनशिप बेहतर होंगे, अगर बिजनेस या काम में किसी तरीके की प्रॉब्लम्स आई हैं तो वहाँ चीज़ें बेहतर होती दिखेंगी, फैमिली में अगर सिचुएशन बिगड़ी है तो वो सिचुएशन बेहतर होती नज़र आएंगी, सिबलिंग्स और भाई बहन में किसी तरीके का मतभेद है तो अक्टूबर के एंड में ये मतभेद भी सॉल्व होता नज़र आएगा। कोई लैंड या प्रॉपर्टी में अगर आप लोगों की प्रॉब्लम्स चल रही है, पैसे फंसे हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि वहाँ से आपको थोड़ी सी राहत मिले, वहाँ से आपको कोई अच्छा आउटकम देखने को मिलेगा, कोई बैलेंस्ड आउटकम देखने को मिलेगा। ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो पूरा महीना आपके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि आपको अपने आप पे ध्यान देना है, खुद से प्यार करना है, इस डार्कनेस वाली एनर्जी से दूर रहें, आपके साथ चीज़ें गलत हुई हैं ये सोचना बंद करें, नेगेटिव सोचना बंद करें,
पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आपका महीना बहुत स्मूथ निकलेगा। एंड ऑफ अक्टूबर आप बहुत ज़्यादा ग्लैड फील करते हुए और काफ़ी ग्रेटफुल फील करते नज़र आ रहे हैं। हो सके तो आप लोगों के लिए सिर्फ एकमात्र एडवाइस है कि ग्रैटिट्यूड लिखना ज़रूरी है आपके लिए। रोज़ मॉर्निंग में उठते ही या तो हाथ जोड़कर या तो आपकी किताब और पेन लेकर आप ग्रैटिट्यूड लिखना शुरू करें। उस हर चीज़ के लिए थैंकफुल रहें जो भगवान ने आपको दी, जैसे दो आँखें जिसके बिना आप देख नहीं सकते, दो हाथ जिसके बिना आप शायद खाना खा नहीं सकते, लिख नहीं सकते, बहुत सारे कार्य नहीं कर सकते। अगर आपको एक सेहत अच्छी दी है तो आप सेहत के लिए थैंकफुल रहें। मदर दी है, मम्मा दी है, आपको पापा दिए हैं तो उसके लिए थैंकफुल रहें। बहुत सी चीज़ें हैं जो आपके जीवन में आपको दी है जिसके लिए आपको ग्रेटफुल होने की ज़रूरत है। तो यस, डेली ग्रेटफुल या ग्रैटिट्यूड ज़रूर दिखाएं, उससे आपके जीवन का पैटर्न जो है बहुत ब्लेस्ड और बहुत ही ब्लेसिंग्स के साथ आगे बेहतर होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। रीडिंग पसंद आई और इसी तरीके की रीडिंग्स आप देखना चाहते हैं, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप लोगों की हार्ट चक्रा की हीलिंग नहीं हो पा रही है तो ब्रेसलेट के लिए आप अमित से को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उनका नंबर मैंने शेयर किया वीडियो पे, आप उन्हें कॉन्टैक्ट करके अपना ब्रेसलेट डिजाइन करवा सकते हैं। ठीक है, सो अभी के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें। बाय, टेक केयर, ओम साई राम। अब बारी है NOPQRST UVWXYZ इन नाम वालों के लिए। यूनिवर्स मुझे बताएं इनका अक्टूबर का महीना कैसे निकलेगा, ओवरऑल कैसा निकलेगा, बिजनेस, करियर, लव, नो कांटेक्ट, ऑन एंड ऑफ कांटेक्ट, मैरिड, सेपरेटेड, स्टूडेंट्स, ओवरऑल मुझे बताएं, एडवाइस, चैलेंजेस, सब कुछ बताएं। अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा जिनका नाम शुरू होता है NOPQRST UVWXYZ या जिन्होंने इस ब्लू स्लिप को चुना है। Five of Wands, the Devil, Four of Cups, Two of Pentacles and the Emperor. Okay. Five of Wands की एनर्जी को क्लारिफाई करें। Ace of Swords and Four of Wands. सबसे पहले मैं आप लोगों की साइन बता देती हूँ। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस या लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी हो सकती है, या आपकी साइन सन, मून, राइजिंग कोई भी हो सकती है। देखो यार, मैं आगे और क्लारिफायर निकाल रही हूँ, बट मुझे सबसे पहले अगर बिजनेस की या मैं जॉब की बात करूँ तो आपके साथ ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत होती हुई नज़र आ रही है, या बिजनेस में किसी तरीके के आपके कंपटीटर्स हैं जो आपको नीचे गिराने की पूरी कोशिश करेंगे। ये स्टार्टिंग ऑफ अक्टूबर में मुझे दिखाई दे रहा होगा। स्टार्टिंग मंथ के अक्टूबर के टाइम पे आप बहुत ज़्यादा आपके आसपास जो है शोर देखते हुए नज़र आ रहे हो, बहुत शोर रहेगा आपके आसपास, बट इस शोर का मुकाबला आप बहुत अच्छे से करेंगे। मुझे ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है कि आप गिव अप करेंगे और आप अपने कंपटीटर्स को या आपके जो लोग आपसे जलस हो रहे हैं या जो ऑफिस पॉलिटिक्स कर रहे हैं उनके सामने आप हार मान जाएंगे और हाथ जोड़कर निकल जाएंगे। नहीं, आप अपने लिए फाइट बैक करेंगे। आप जो है जो लोग जलते हैं उनको अवॉइड करके अपने काम पर ध्यान देने की कोशिश करेंगे। कुछ लोगों के लिए अगर लीगल मैटर चल रहे हैं तो पॉसिबिलिटी है कि ये लीगल मैटर पे आपको रिएक्ट नहीं करना है, गुस्सा नहीं दिखाना है, जितना हो सकता है अपने आप को कंट्रोल करना है। सीनियर्स हो या आपसे बड़े या कोई भी आसपास के लोग, कोशिश करो कि आपकी वाणी से कोई हर्ट ना हो, क्योंकि आपकी वाणी में वो कहीं ना कहीं चीज़ें बैठ जाएंगी या कुछ ऐसा आप बोल गुजरोगे जिससे प्रॉब्लम्स आपके लिए खुद न्योता दे दोगे। आप खुद अपनी प्रॉब्लम्स को बोलते ना न्योता देकर इनवाइट करके बुला लोगे। तो इसलिए वाणी पे बहुत कंट्रोल चाहिए इस महीने। आपका मेन टास्क है खुद पे पेशेंस रखकर दिखाना, खुद में सब्र रखना, चुप ज़्यादा रहना और बोलना कम है आपको। अब बोलना कम का मतलब ये नहीं कि आप मैसेजेस करना शुरू कर देंगे, आप ज़्यादा मैसेजेस नहीं कर सकते। ओवरऑल आपको अपने अंदर सेल्फ कंट्रोल लाकर दिखाना पड़ेगा इस महीने। आपके साथ सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आप खुद पे कितना काबू पा सकते हैं, आप खुद को कितना कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, कंपटीटर्स या लोग जलस या बहुत सारे लोग जो हैं आपके सामने आपके रास्ते में आने की पूरी कोशिश करेंगे, आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे। मेंटल स्ट्रेस इस कारण से आपके बिजनेस या जॉब में बढ़ सकता है। ऐसी पॉसिबिलिटी स्ट्रांग है कि आपको मेंटली थोड़ा सा एग्जॉस्टेड फील हो सकता है और आप इसी चक्रों में या तो ड्रिंकिंग या कुछ उल्टा सीधा खाना पीना भी बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। ऐसी पॉसिबिलिटी बन रही है कि आप कुछ उल्टा सीधा खाना शुरू कर देंगे या खूब ड्रिंकिंग करेंगे या आपके अंदर कोई एडिक्शन है किसी चीज़ को लेकर, तो उस एडिक्शन पे आपका ध्यान ज़्यादा जाएगा। कहीं ना कहीं आपका माइंड थोड़ा सा डिस्टर्बेंस को फेस करता नज़र आ रहा है और आपके पास कुछ लोग अपॉर्चुनिटीज़ भी लेकर आएंगे एंड ऑफ अक्टूबर में। आपके पास अगर कोई जॉब की अपॉर्चुनिटी आप ढूंढ रहे हो या कुछ अच्छा ऑफर ढूंढ रहे हो तो कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी, लेकिन हालांकि आप
उस अपॉर्चुनिटी को रिजेक्ट करते नजर आ रहे हो। आप बोल रहे हो सॉरी आई एम नॉट इंटरेस्टेड वाली एनर्जी मुझे आपके अंदर ज़्यादा दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि आप उस ऑफर को रिजेक्ट करेंगे या आप जो है पास्ट की किसी रीज़न के कारण वेट करेंगे जिसके कारण वो अपॉर्चुनिटी जो है अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी आप उसे डिनाई करेंगे और हाथ आया अवसर आपके हाथ से निकल सकता है। इस महीने आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नज़र भी आ रहे हैं, बहुत प्रैक्टिकल रहेंगे, बहुत ज़्यादा आप जो है फोकस्ड रहेंगे अपने काम में, नई नई आइडियाज़ वगैरह क्रिएट करके उसे कैसे ग्रोथ में लाना है इसके बारे में आप काम करते नज़र आ रहे हैं। यूनिवर्स मुझे द डेविल की एनर्जी को क्लारिफाई करें। प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड, अगर किसी लीगल मैटर में हैं आप, अगर कोई लीगल मैटर का सामना कर रहे हैं तो पॉसिबिलिटी है कि इस महीने वो फैसला आएगा नहीं, काम डिले हो जाएगा आपका, मतलब फैसला जो आना है वो ना आपके फेवर में आएगा ना सामने वाले के फेवर में, आपको डेट दूसरी मिल जाएगी, ऐसी पॉसिबिलिटी ज़्यादा बन रही है कि दूसरी कोई तारीख मिल जाएगी आपको, ठीक है, क्योंकि काम में थोड़ी सी डिले आती हुई दिखाई दे रही है। आप जो भी काम में हाथ डाल रहे हैं ऐसा लग रहा है कि वो काम थोड़े से डिले हो रहे हैं, या कोई ना कोई परेशान कर रहा है, या कोई एम्प्लॉय टाइम पर आपका काम कंप्लीट नहीं कर रहा है। टीम लीडर हैं अगर तो आपकी टीम प्रॉपर तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रही है जिससे आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ सकता है और आप उनके ऊपर भड़क गए तो डेफिनेटली वो सब रिज़ाइन ही करने की कोशिश कर लेंगे। इसीलिए मैंने आपको कहा कि ये पूरा महीना आपको अपनी वाणी पे कंट्रोल करना है, अपने आप को सेल्फ कंट्रोल दिखाना है, गुस्से पे काबू करना पड़ेगा क्योंकि मेंटल एन्जाइटी के चलते आप कुछ गलत कदम उठा सकते हैं, ऐसी स्ट्रॉन्ग चांसेस बन रहे हैं। यूनिवर्स फोर ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लारिफाई करें। स्टूडेंट्स थोड़े से आउट ऑफ फोकस रहेंगे, स्टूडेंट्स के लिए मैं मेडिटेशन वगैरह रिकमेंड करूँगी कि मेडिटेशन करो या एटलीस्ट आप ब्रेसलेट पहनो, वो ज़रूरी है। अगर ये भी अफोर्ड नहीं कर सकते ब्रेसलेट्स वगैरह या मेडिटेशन करने के लिए टाइम नहीं है तो कम से कम आप जो है केसर या हल्दी का तिलक रोज़ लगाएं मॉर्निंग में नहाने के बाद। यूनिवर्स फोर ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लारिफाई करें। दी मैजिशियन थ्री ऑफ कप्स, ओके, आपकी कोई मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है लेकिन उस मैनिफेस्टेशन में पूरी होने के लिए बाधा आप पैदा कर सकते हैं। ऐसी पॉसिबिलिटी है कि कोई अच्छा अवसर आपके पास आएगा लेकिन आप खुद उस अवसर को अपनी कन्फ्यूजन के चक्कर में या कहीं और बिजी रहने के चक्कर में उसे हाथ से खो सकते हैं, ठीक है, इस तरीके की एक पॉसिबिलिटी बन रही है। अगर आप अलर्ट रहे, अगर आप फोकस्ड रहे तो उस अवसर को आप डेफिनेटली पहचान पाएंगे और आप उसे अचीव कर लेंगे, लेकिन आपका बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना ज़रूरी है। जैसे कि मैं ऑब्स्टेकल में देख पा रही हूँ, ये महीने आपकी सबसे बड़ी ऑब्स्टेकल दो होंगी, एक होगा आपका कन्फ्यूजन, आप बहुत कन्फ्यूज नज़र आएंगे, क्लैरिटी नहीं निकाल पाएंगे, कुछ ना कुछ ऐसा रहेगा जिसमें आप उलझे नज़र आएंगे या मल्टीटास्किंग इतनी करेंगे कि काम टाइम पे पूरे नहीं कर पाएंगे। दूसरा, आपके लिए आपका सेल्फ कंट्रोल, आपकी वाणी पे आपका बहुत कंट्रोल होना चाहिए। ये महीने आपको अपने आप को कंट्रोल करना होगा, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा आपके लिए कि आपको अपने अंदर कंट्रोल लाना होगा, ईगो घमंड गुस्से को दूर रखना होगा, प्यार से पोलाइट मैनर से सबके साथ बिहेव करना होगा, तभी ही आपके काम बन पाएंगे सारे काम, तभी ही आपके बेस्ट हो पाएंगे, वरना लोग आपसे नाराज़ होने के बस छोटे से मौके ढूंढते नजर आएंगे, ठीक है। फैमिली में घर में थोड़ा सा माहौल बिगड़ सकता है आपके एटीट्यूड के चलते, थोड़ा सा माहौल ख़राब हो सकता है, कोई भाई बहन जो आपस में लड़ सकते हो या माता पिता जो है आपको मिसअंडरस्टैंड कर सकते हैं, आपके अंदर के दर्द को नहीं समझेंगे, ऐसी एनर्जी बनती नज़र आ रही है। नहीं, पूरा नेगेटिव नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे हम फोकस करेंगे, क्योंकि दीदी आप कंटिन्यू नेगेटिव बोल रहे हो। देखो, इट्स ऑल अबाउट आपका समय है, इस पे हम कैसे चीज़ें ठीक कर सकते हैं हम उस पे ज़्यादा फोकस करेंगे कि गाइडेंस क्या है, कैसे आप इस महीने को सुंदर महीना बना सकते हो, कैसे इस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हो, इस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। फ्यूचर को देखकर घबराना नहीं है कि ओ फ्यूचर ऐसा होने वाला है, नहीं नहीं फिर तो बहुत गलत हो रहा है हमारे साथ, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। आपको उसके गाइडेंस पे ज़्यादा फोकस करना है कि क्या चीज़ करने से आप इस समय से बच सकते हैं, इस तरीके की एनर्जीज पे ज़्यादा फोकस करो। आपके घर में किसी तरीके से माहौल ख़राब होगा और आपके, मैंने जैसे कि कहा, ये पूरा महीना आपसे जलने वाले बहुत होंगे, तो हो सकता है कि आपके अपने भी आपके खिलाफ या आपसे जलस होते हुए नज़र आएंगे। कुछ लोग आपके ऊपर गलत तंत्र विद्या का भी उपयोग करते हुए नज़र आएंगे, लोगों में जलसी इतनी होगी कि लोग आपको नीचे गिराने के लिए बहुत गलत चीज़ें करते नज़र आएंगे। हालांकि अगर आप खुद पर डटे रहे, खुद पे कंट्रोल किया, तो आपका कोई बाल भी बाका नहीं, कहीं ना कहीं कर नहीं सकता, आप किसी से भी हर्ट नहीं हो सकते और कोई भी आपको तकलीफ़ नहीं दे सकता, इतनी स्ट्रांग पॉसिबिलिटीज़ हैं आपके जीवन में। मुझे ऐसा लग रहा है कि
कुछ सत्य आपके सामने आएंगे, कुछ सच्चाइयाँ आपके सामने आएंगी। यानी कि अगर जिन लोगों पे आप बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं और मानते थे कि ये बहुत मेरे बेस्ट फ्रेंड है, ये मेरे बेस्ट मित्र और बेस्ट मेरे भाई बहन हैं, या तो ये मेरे बेस्ट मतलब बोलते हैं ना एम्प्लॉय हैं, वो आपके पीठ पीछे क्या बोलते हैं या आपके अगेंस्ट वो कैसे, मतलब क्या आपके बैक साइड में कोई लवर है जिसे आप पसंद करते हैं, तो उसकी पूरी सच्चाई आपके सामने आकर खड़ी होगी। इस महीने भगवान बस कह रहा है आपसे बार बार वेट एंड वॉच। ये आपको जो चुप रहने के लिए मैंने कहा है वो इसीलिए कहा है कि चुप रहकर सिर्फ तमाशा देखो, क्योंकि इस महीने आपके सामने ऐसी ऐसी चीज़ें पर्दाफाश होंगी जिससे आपको हैरानी भी होगी और शौक लगेगा कि यार इसको तो मैंने बहुत ज़्यादा माना था कि ये तो भाई मेरा सच्चा आदमी था, ये तो मेरा सगा था, लेकिन इसने भी ये हरकत दिखाई। तो यूनिवर्स कह रहा है कि ये समय ऐसा है जहाँ पर मैं तुम्हें सत्य दिखाना चाहूँगा, मैं चाहूँगा कि तुम सच का सामना करो और तुम बस चुप रहो और इंतज़ार करो कि देखो तुम्हारे अगेंस्ट लोग क्या कर रहे हैं और तुम्हारे आसपास क्या चीज़ें घटित हो रही है, कौन तुम्हारा सगा और कौन तुम्हारा गलत चाहता है, बुरा चाहता है, वो तुम्हें देखने को मिलेगा। इसलिए तुम्हें शांत रहना होगा। ओके, सो अब मैं आती हूँ उन लोगों के लिए जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं या ऑन एंड ऑफ सिचुएशन का सामना कर रहे हैं, उसके बाद हम नो कॉन्टैक्ट पे आएंगे। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर आप ऑन एंड ऑफ कॉन्टैक्ट का सामना कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप में, तो आप पूरी कोशिश करेंगे अपने पार्टनर के साथ दोबारा चीज़ें सिचुएशन बेहतर करने के लिए, क्योंकि आप अपने पार्टनर के लिए ऑब्सेस्ड रहेंगे। आप अपने पार्टनर को दोबारा पाने के लिए कोई प्रयास करते हुए या उनको वापस मनाते हुए या उन्हें मैसेजेस करते नज़र आएंगे। आपके अंदर उनको लेकर क्रेविंग कहीं ना कहीं बढ़ेगी, मेंटली आप उनको लेकर ऑब्सेस्ड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं आप उन्हें चेज करेंगे, आप उन्हें पाने की इच्छा रखेंगे, आप उनके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि स्पेल कास्ट भी कर सकते हैं, ऐसी चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाएगी। आपके जीवन में आप किसी व्यक्ति को लेकर इनसिक्योर भी फील करेंगे, यानी कि ऐसी पॉसिबिलिटी है कि अगर आप ऑन एंड ऑफ प्रॉब्लम में हैं, इश्यूज़ में हैं, तो ऐसा हो सकता है कि आप अपने पार्टनर पे शक करना शुरू कर देंगे कि इनकी ज़िंदगी में पक्का कोई है, कुछ तो गड़बड़ है, दया वाली एनर्जी बनेगी। आप अपने पार्टनर पे बहुत शक करेंगे और उनकी एनर्जीज पे आपको डाउट होगा। कोई तीसरे व्यक्ति को लेकर आप परेशान होते हुए नज़र आ रहे हैं, इस तरीके की एनर्जी बन रही है। आप अपने पार्टनर को कहीं ना कहीं समझने का प्रयास करने की कोशिश करते इस महीने ज़्यादा नज़र आएंगे। आपके पार्टनर आपके साथ थोड़ा सा कोल्ड बिहेव करते नज़र आएंगे, बट आप अपना प्रयास करना चालू रखेंगे। आप कोशिश करेंगे कि आपका रिश्ता बेहतर हो और सिचुएशन बेटर हो सके। आप अपने एक्स के पास खुद होकर वापस जाने का प्रयास करते ज़्यादा नज़र आएंगे। इसके कारण हो सकता है कि अगर वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, तो अक्टूबर एंड में आप मेंटली थोड़ा सा खुद को एग्जॉस्टेड फील करेंगे, ऐसी पॉसिबिलिटी बनेगी कहीं ना कहीं इस महीने। ठीक है, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आपके पार्टनर पे, आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ पे आपको थोड़ा सा डाउट सा होने लगेगा, उनकी एनर्जीज पे कुछ डाउट होगा या उनके बदलते व्यवहार को देखकर आपको नाराज़गी होगी। आप उनके अंदर का सत्य देखकर या उनकी बहस से थोड़े से परेशान हो सकते हैं। आप ऐसा सोच सकते हैं कि ये कॉम्प्लिकेटेड है और आपकी भावनाओं को नहीं समझ रहे हैं, ऐसे इशूज़ बनते नज़र आ रहे हैं। ऑन एंड ऑफ कॉन्टैक्ट वालों और मैरिड के लिए तो मैंने बताया, अब नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए मैं बता देती हूँ। जो लोग भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, पार्टनर के साथ फिलहाल इस महीने रीयूनियन की पॉसिबिलिटीज़ कम है, और उसका कारण अगेन ये होगा कि कोई तीसरा व्यक्ति आपके बीच में आ गया है, जिसके कारण आपके पार्टनर आपको बात ना करते हुए या आपको अवॉइड करते हुए नज़र आएंगे। और उसका कारण ये भी होगा कि पॉसिबिलिटी है या तो वो दूसरे तीसरे व्यक्ति से रिलेशनशिप में है, या तो वो तीसरे व्यक्ति से शादी वादी करने का या कुछ आगे स्टेप बढ़ाने का प्लान कर रहे हैं। इसीलिए हो सकता है कि ये व्यक्ति आपको थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। अगर इन्होंने आपको अपना सत्य नहीं बताया, तो पॉसिबिलिटी है कि कोई तीसरे व्यक्ति पे ज़्यादा फोकस करने के चक्कर में ये आपको अवॉइड करेंगे। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन कंटिन्यूड रहेगी, उसमें कॉन्टैक्ट आता हुआ मुझे नहीं दिखाई दे रहा इस महीने। ठीक है, आगे डेफिनेटली फ्यूचर में बेहतर हो सकता है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि पहले फिर भी चीज़ें ठीक थी, बट अब आपके सामने जो जो सिचुएशंस बन रही हैं, उसका कारण ये है कि यूनिवर्स आपके सामने पूरे सत्य को दिखाने के बाद आपसे सवाल करना चाहता है कि अभी भी तुम्हें ये चीज़ चाहिए? अगर तुम्हें चाहिए तो तुम मैनिफेस्ट कर सकते हो, तुम्हें हम दे देंगे बच्चा, लेकिन तुम्हारे सामने हम सत्य रखना चाहते हैं कि ये सच है क्या, ये देखने के बाद तुम रखना चाहोगे इन्हें? तो ये कहीं ना कहीं सिचुएशन बन रही है।
जो लोग सिंगल हैं वो अपने क्रश को लेकर कहीं ना कहीं क्रश हो जाएंगे, ऐसी एनर्जी है कि आपको लगने लगेगा कि आपके क्रश के ज़िंदगी में या तो वो फ्लर्टी हैं, या तो उनको कोई एडिक्शन है, या तो वो किसी तीसरे व्यक्ति के तरफ भी बहुत ज़्यादा बातचीत करते आपको नज़र आएंगे, जिससे आपको बुरा लग सकता है। वो आपको अप्रोच ज़रूर करेंगे एंड ऑफ दी मंथ, बट आप उन्हें बोलेंगे सॉरी, नो थैंक यू करके आप निकल लेंगे, क्योंकि आपको लगेगा ये व्यक्ति सही नहीं है। ओवरऑल अगर मैं पूरा महीना देखूं तो ये पूरा महीना आपके लिए चैलेंजेस से भरा होगा, और मैंने कुछ चीज़ों का आपको ध्यान देने को कहा है। स्ट्रिक्ट चीज़ों से, अगर स्ट्रिक्टली आपने उन चीज़ों पे ध्यान दे दिया, यानी कि आप कंफ्यूज नहीं रहे, मेंटल क्लैरिटी के लिए मेडिटेशन वगैरह किया, अपने आप पे काम किया, तो आपको इतना स्ट्रेस नहीं होगा, माइंड मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा आपको। दूसरा, आपको मौन धारण रखना है, चुप रहने पे आपकी जीत ज़्यादा होने के चांसेस है। आप जब जब चुप रहते हैं या रिएक्शन नहीं देंगे, आपका गेम ऑन हो जाएगा और आप जीत जाएंगे, ठीक है? क्योंकि एट दी एंड आपको यूनिवर्स कह रही है, अगर प्रैक्टिकल रहोगे और दिमाग से काम रखोगे, चाणक्य नीति करोगे, तो तुम्हारी जीत निश्चित है, तुम्हें जिताऊंगा ज़रूर, ठीक है? इस महीने कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होने की वजह से मेंटल एन्जाइटी या सेहत पे असर पड़ सकता है, इसीलिए स्ट्रिक्ट एडवाइस आप लोगों के लिए होगी मेरी तरफ से, कि आपको वॉक्स वगैरह, वर्कआउट और खाने पीने के पैटर्न पे थोड़ी सी ध्यान या सावधानी बरतने की ज़रूरत है, ओके? ये महीना डेफिनेटली कॉम्प्लिकेटेड है, बट याद रखना, इसे अपनी पूरी ज़िंदगी नहीं समझना है, इसमें अपनी लाइफ नहीं ढूंढनी है। समय आता है कभी अप कभी डाउन, तो अभी थोड़ा सा अगर डाउन हुआ है तो उससे घबराना नहीं है, आप हर सिचुएशन से जीत सकते हो। अगेन कह रही हूँ, अगर आप चुप रहे तो, आपने रिएक्शन नहीं दिया, तो आप अपने समय से जीत सकते हैं, आप इस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं, आप अपने इस बुरे समय को पीछे छोड़ अपनी ज़िंदगी में अबंडेंस और ब्लेसिंग्स प्राप्त कर सकते हैं। चाहे आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, चाहे आपके पार्टनर आपको इनसिक्योर कहीं ना कहीं फील करा रहे हैं, धोखा दे रहे हैं या चीट कर रहे हैं, या आपके बिजनेस में या ऑफिस में कोई प्रॉब्लम्स हो रही है, आपको मौन धारण रखनी है, आपको रिएक्ट नहीं करना है, क्योंकि आपके नो रिएक्शन पे आपके सामने ऐसी ऐसी स्थिति बन जाएगी जहाँ पर आपका बिना कुछ किए ही आपकी प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व होंगी, ओके? सो ये महीना चैलेंजेस से भरा है, आप गिव अप ना करें, हो सके तो ब्रेसलेट ज़रूर वेयर करें अगर पॉसिबल है, और अगर नहीं हो पा रहा है तो आप अपने घर के बाहर पानी, एक मग्गा पानी या एक लोटा पानी लेकर उसमें थोड़ी सी हल्दी छिड़क कर उसे घर के बाहर छिड़क कर फिर घर के अंदर आए, घर के चौखट पे, मैं बोल रही हूँ घर के चौखट पे छिड़क कर फिर घर के अंदर आए, इससे भी आपके आसपास की बला टल जाएगी। अगर आप वर्क प्लेस में बहुत ज़्यादा कंपटिटिव एनर्जी का सामना कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि काला धागा आप लोगों को पहनना चाहिए, आपके लिए ये आपको प्रोटेक्ट करेगा, कोई भी बाधा या स्पेल या कोई चीज़ आपके ऊपर हुई होगी तो वो आपके ऊपर वर्क नहीं करेगी। दूसरा, अगर आप अपने वर्क प्लेस पे बहुत ज़्यादा कंपटिटिव एनर्जी को फेस कर रहे हैं, तो अपनी वर्क प्लेस पे आपको करना कुछ ऐसा है कि आप जो है मंडे के दिन या थर्सडे के दिन, ठीक है, पीले पेड़े या पीली कोई मिठाई, पीला मावा हो, पीली मिठाई हो, मैंगो मिठाई जैसे होती है, कोई भी पीले कलर की मिठाई आपको बांट देनी है, ठीक है? पीले कलर यानी कि येलो कलर की कोई भी मिठाई आप बांट दें घर, ये घर में भी अगर कलश चल रहा है तो घर में बांट दें, और अगर काम में कलश चल रहा है तो वहाँ बांट दें। आप एक ही बार करें इस महीने में, पूरे महीने में एक बार ही करें, और आपकी प्रॉब्लम जो है वो धीरे धीरे आपको सॉल्व होती नज़र आएगी। काली चीज़ों का दान ज़्यादा करें, और हो सके तो काले कपड़े और रेड कलर के कपड़े कम पहने, आपके लिए ब्लू लकी रहेगा या वाइट लकी रहेगा, बट बाकी कलर आप अवॉइड करें, क्योंकि समय थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसलिए ये चीज़ें या ये सावधानी बरतने से आपकी प्रॉब्लम्स थोड़ी सी कम हो सकती हैं, ठीक है? सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। रीडिंग पसंद आई, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। ब्रेसलेट के लिए अमित सर का नंबर मैंने डाल दिया, आप उनसे प्योर ब्रेसलेट बनवा सकते हैं, और उसके अलावा मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है या जो भी डिटेल्स आपको चाहिए वो आपको मिल जाएगा वीडियो पे ही। पर्सनल रीडिंग चालू होगी तो आपको व्हाट्सएप पे दिख जाएगा, अगर बंद होगी तो आपको व्हाट्सएप पे क्लोज दिखाई देगा, ठीक है? सो अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।